उज्जैन उत्तर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सिंगस्थ मेला क्षेत्र के रहने वाले रहवासियों की मांग है कि हमारे मकान और भूमि जहां पर कभी सिंगस्थ लगा ही नहीं, इस मकान भूमि को सिंगस्थ क्षेत्र में बेवजह सम्मिलित किया हुआ है। यही वजह है कि हमारी कॉलोनी बस्ती वेद नहीं हो पाने के कारण नक्शा पास नहीं हो पा रहा है, कीमत भी कम है, बैंक लोन नहीं दे पा रही है। यदि वैध हो जाए तो हमारे मकान की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी और बैंक लोन देना प्रारंभ कर देगी, जिससे हम व्यापार व्यवसाय में उस राशि को लगा देंगे। इसी मांग को लेकर सामूहिक रूप से ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अपर सचिव नगरीय प्रशासन के नाम पूर्व मंत्री उज्जैन उत्तर के विधायक पारस चंद जैन और पूर्व नगर निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत के माध्यम से जिला प्रशासन को दिया गया। उज्जैन की पहचान सिंहस्थ तो शिप्रा नदी है। सिंहस्थ का आयोजन अच्छे प्रकार से होना चाहिए, शिप्रा नदी का संरक्षण होना चाहिए और सिंहस्थ के आयोजन के दौरान ऐसी कई बस्तियां हैं उज्जैन शहर की, लगभग ऐसे 8 वार्ड हैं, 8 से 10 वार्ड है। वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 32 और 33, ऐसे 10 वार्ड है जहाँ पर सीएस का कभी आयोजन नहीं हुआ। 30-30, 40-40 सालों से यहाँ पर मकान बने हुए हैं, किंतु किसी कारणवश उनका जो सर्वे नंबर है खसरा भवन है उसमें सीएस क्षेत्र लिखा हुआ है। 2016 का जब सीएस आयोजन हुआ था, प्रशासन इस एरिया को छोड़कर ही नए स्थानों पर सीएस का आयोजन किया था, तो आज वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 10 के सब नागरिक यहाँ एकत्रित हुए और माननीय पारस जी जैन साहब हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने जिला प्रशासन को यहाँ बुलाया और मध्य प्रदेश शासन ने जो मास्टर प्लान का प्रकाशन किया है उसमें दावे आपत्ति करने के लिए इस दोनों कॉलोनी के हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उन्होंने अपने अपने आवेदन जमा किए हैं और ये मांग की है कि चूँकि हमारे भूमियों पर, हमारे मकानों पर, हमारी ज़मीन पर कभी सीएस लगा नहीं, इसलिए इसको सीएस से मुक्त किया जाए और 2016 का सीएस बाईपास जो लगा था यहाँ पर शांति पैलेस होटल के पीछे, वहीं पर सीएस के लिए आरक्षित किया जाए, उसको आवासीय नहीं किया जाए। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों ने अपने मकानों को सीएस से बाहर करने की मांग की कि शिप्रा नदी का जो ग्रीन बेल्ट का एरिया है जो 200 मीटर है उसको जो कम किया गया है उसके बारे में भी सबने लिख के दिया है कि शिप्रा नदी का ग्रीन बेल्ट 200 नहीं 300 मीटर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान तक ये बात जाएगी और सीएस क्षेत्र जहाँ पर मकान बन गए हैं, रहवासी क्षेत्र हो गया है, 30-40 साल से लगभग 10,000 ऐसे मकान बने हुए हैं, उन सब मकानों को सीएस से मुक्त करेंगे ताकि आने वाले समय में ये सब कॉलोनियाँ वैध होगी, लोन मिलने लगेंगे, पढ़ाई करने वाले बच्चों को एजुकेशन लोन मिलेगा और एक सुखमय जीवन यहाँ के सब रहवासी। दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो सिंगस क्षेत्र जो भी घोषित होता है उसमें जो भी अतिक्रमण है वो पूरी तरीके से सख्ती से रुकने चाहिए। कुछ लोग, हम लोगों ने बीच में कार्रवाइयाँ भी करी हैं, खासतौर पर ऐसे लोग, एक ऐसा गैंग सक्रिय था जो सिंगस क्षेत्र में ही कॉलोनियाँ काटने का काम करता था, हमने उनके FIR भी कराई, उनसे हमने पैसे भी वापस दिलवाए हैं। तो इस प्रक्रिया को तत्काल रुकना चाहिए, वरना अगर पुराने जो इस प्रकार के अतिक्रमण हैं उनको हम लोग वैधानिकता प्रदान करते गए तो निश्चित रूप से आगे भी इस प्रकार से अतिक्रमण होते रहेंगे, इस आस में कि हम लोग आगे किसी न किसी तरीके से वैधानिकता प्राप्त कर लेंगे। जो बहुत पुरानी इस प्रकार की कॉलोनियाँ या घर हैं इनके संबंध में शासन स्तर पर जो भी निर्णय होगा उसको, उसके हिसाब से सिंगस का नोटिफिकेशन होगा। हालांकि अभी का जो मास्टर प्लान है वो विषय अलग है और जो ये सिंगस का प्लान है ये विषय अलग है, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। अभी जो मास्टर प्लान की कार्रवाई चल रही है वो भोपाल स्तर पर लंबित है, वहाँ से उसका निर्णय होगा। तो सिंगस क्षेत्र में किस चीज़ को अधिसूचित करना है, किसको नहीं करना है, जब आगामी सिंगस आएगा उससे पहले ये चीज़ निर्धारित करी जाएगी। जो पुरानी बस्तियाँ हैं निश्चित रूप से उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा जो नए अवैध निर्माण हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको बिल्कुल भी न मिलने पाए, ये हमको ज़रूर देखना पड़ेगा।